साथियों नमस्कार। आज हम लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे हैं। यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाले हुए उस पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ पे हम पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं, इनकी मांग क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डन राजपासी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन युवा एकता मंच। तो इस जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है, दलितों और पिछड़ों को हक अधिकार लगातार छीना जा रहा है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें दलितों और पिछड़ों के जो आरक्षण था उसका घोटाला हुआ है, और इसी की मांग में हम अपनी पूरे टीम के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। टीम के साथ आए हैं? हाँ, पहुँचे नहीं वक्त मंच, हम प्रतापगढ़ से आए, बाकी हमारे अन्य जिला से जितने साथी हैं वो भी आए हुए हैं। तो क्या चंद्रशेखर के समर्थन में आए हैं? नहीं, वो यहाँ बुलाया गया था कि 69,000 शिक्षक जो भर्ती थी, यहाँ सारे संगठनों को बुलाया गया था, सारे संगठन आए हुए, सारे राजनीतिक पार्टियाँ हैं, किसी एक का संगठन, एक पार्टी एक संगठन का एक आंदोलन है, सबका आंदोलन है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कैमरा उधर करिए, प्रशासन ने रोक लगा दिया है, अपनी मांग नहीं मांग पा रहे, आगे नहीं जा पा रहे, यहाँ काफ़ी भीड़ दिख रही है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इससे जो है कि जब जब एक कहावत है कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, यही है जो सरकार की जो है कि यहाँ नाकामी चल रही है। हमारा जो यहाँ पे अभी 38 संगठन से यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश से चल के यहाँ पे आए हैं। ये जो योगी सरकार की जो असफलता है उसको नकारने के लिए जो हमारे यहाँ पे छात्र संघ संघ बैठे हैं, मैं भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष फूलपुर आजमगढ़ से आया हूँ, और पूरी टीम के साथ पूरे आजमगढ़ से हम लोग यहाँ पे आए हैं कि यहाँ दिखाने आए हैं, पूरा लखनऊ को नीलामय करने आए हैं कि योगी सरकार की नाकामी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे पढ़ने को मिल रहा है जी, चंद्रशेखर राजनीति कर रहे हैं 2022 को लेकर। नहीं नहीं, कोई राजनीति नहीं है इसके लिए, कोई राजनीति। अभी चंद्रशेखर भाई हमारे जो हैं, अभी वो ऐलान भी नहीं किए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। आप कहीं भी देख लीजिए, अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारे युवाओं का अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पे जो कि जनसभा तैयार किया गया है। कहाँ तक मांग करेंगे? जिस तरह से यहाँ रोका गया, कहाँ तक जाएंगे? हम लोग विधानसभा घेरने का काम कर रहे हैं, जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई का आदेश आएगा हम उसी पे चलेंगे और विधानसभा को घेरेंगे। नाम क्या है आपका? हमारा राहुल बौद्ध नाम है, विधानसभा भीम आर्मी फूलपुर आजमगढ़ से हैं हम। हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ उस पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग उनसे भी बात करते हैं, बहुत लोग हैं, क्या कहना आपको? भैया इसमें जो है 19,000 का घोटाला हुआ भर्ती में, 69,000 भर में 16,000 OBC का और लगभग 3400-3500 SC के सीटों का घोटाला कर दिए, जिससे आप सुरखुर हो रहे हैं उसी गवर्नमेंट काट रही है, जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं उसी गवर्नमेंट काटना चाह रही है। अभी चुनाव आ जाएगा तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, जब अधिकार की बात होती है तो अधिकार देना नहीं। हिंदू मुस्लिम वाली आप बात कर रहे हैं, लगातार पढ़ने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर भैया भी जो है राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे को बना। ऐसा नहीं, भैया ने हमारा सपोर्ट किया है, बहुत जीलो जान से तन मन धन से हमारा सपोर्ट किया है, और किसी पार्टी ने कोई संगठन ने कोई। जी मैं बरेली से आया हूँ और आजाद समाज पार्टी भोजपुरा विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा अच्छा, अपनी मांग रखने आए हैं? जी मांग है आप? हमारी यही मांग है कि हमारे आरक्षण को लागू किया जाए जो हमसे छीना गया है जबरदस्ती की मार से, और ये ताना इतना हम लोगों के संघर्ष करने के बाद में, और हम लोग इतनी भारी संख्या में दूर दूर से सब लोग आए हैं अपनी मांग को रखने के लिए, और इतनी शालीनता पूर्वक हम अपनी मांग को रख रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है, और इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और हम कोई भी ऐसा उपद्रव या कोई भी ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी मांग को शालीनतापूर्वक तरीके से सरकार मान ली जाए। आप लोग कैमरा इधर दिखाइए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करें, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम बिल्कुल बिल्कुल सर, आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। चूंकि घोटाला आरक्षण में हुआ है, इसने आयोग ने पूरा स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख किया है, इस वजह से आयोग लागू करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप लगातार धरना कर रहे हैं प्रशासन सर, हम लोगों का धरना पिछले 79 दिन से चल रहा है, बराबर चल रहा है, यही इको गार्डन में चल रहा है, और अगर हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो धरना। आगे आइए, आपका नाम क्या है? रौनक गौतम। कहाँ से? कानपुर जिला महासचिव। अच्छा अच्छा, लगातार जिस तरह से यहाँ पे धरना हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया हम लोग हमेशा धरना करते रहेंगे अगर जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें अपना अधिकार चाहिए, सभी भाइयों अपने अधिकार के लिए यहाँ पे खड़े हैं, सबको जिस दिन अपना अधिकार मिल जाएगा उस दिन से धरना नहीं होगा भाई, जब तक अधिकार। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि युवाओं में काफी जोश है, ये समर्थन जो है चंद्रशेखर भाई को दे रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं।